हाँ, सो फंडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। फंडिंग कहाँ से आती है, और जनरली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस लोग बना लेते हैं एक दूसरे को देखकर कि फला ऑर्गेनाइजेशंस अभी 5 साल पहले शुरू हुई थी और आज वो उतना अच्छा काम कर रही है, उनके पास बहुत फंड्स हैं, तो लोग एक्साइट हो जाते हैं कि हम भी ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उतना अच्छा काम कर लें। आपको एक प्रोसेस, आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो एनजीओज हैं उनके लिए दो तीन ऑप्शंस हैं जो हमें फंडिंग के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशंस जो फंडिंग दे सकती है दैट इज गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपको ऐसे आपने एनजीओ बना लिया और आपको बोले कि कोई पैसे दे देगा, नहीं। आपको उनके अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि आप एक डिपार्टमेंट जो काम करता है हेल्थ के ऊपर, अगर वो चाहते हैं कि एड्स के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चलाना है उनको, तो आप एज एनजीओ जाओ, उनकी आरएफपी निकलेगी और आरएफपी में आप अप्लाई करो, आप सेलेक्ट हो गए तो आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा। सो दैट्स वे योर फंडिंग विल स्टार्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन जो सामाजिक न्याय न्याय के ऊपर काम करते हैं, जिसमें जैसे ओल्ड एज होम हो गया, ऑर्फनेज हो गया, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग करती हैं, तो उनकी आरएफपी निकलती है, आप उसमें अप्लाई करेंगे और आपको अगर फंड सेलेक्ट हो जाता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हो जाती है, तो आपको वो फंडिंग रेगुलर मिलती है। तो एक हो गया, फर्स्ट हो गया गवर्नमेंट, सेकंड हो गया इंडिविजुअल्स। तो आप अपने लेवल पर अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो आप लोगों से पैसे ले सकते हो। बहुत सा अच्छा उदाहरण है उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान, गिव इंडिया, कैफ, ये कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने आप जाके पैसे देते हैं। नारायण सेवा संस्थान तो इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है कि लोग अपनी बर्थडे, अपनी एनिवर्सरीज पर बाय डिफॉल्ट चेक रख के भेज देते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, उनका एक ट्रस्ट है लोगों के ऊपर। तो लोगों से आप पैसा ले सकते हो, लेकिन ये बहुत ही टफ काम है। लोग आपको पैसा क्यों देंगे? आप रास्ता चलते अगर आप देखोगे, आपसे बहुत सारे एनजीओ हैं, आप कई लोग आपसे पैसे मांगने आएंगे, तो डेफिनेटली आप नहीं दोगे अनलेस एंड अंटिल आप उनको जानते हो, उनके काम को जानते हो और आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो। तो ये ट्रस्ट बिल्डअप करने में काफी टाइम लगता है। तो सबसे इजी है, लेकिन आपको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा इंडिविजुअल डोनेशंस लेने के लिए। और तीसरा जो मैंने बताया, कॉर्पोरेट फंडिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, या उनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, या उनका नेटवर्थ ऑर्गेनाइजेशंस का 1000 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको अपने नेट प्रॉफिट का 2% सोशल कॉज के लिए देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर कंपनी जो उनके पास जितना अमाउंट होता है, अब रिलायंस की अगर आप बात करोगे तो उनके पास 3000 करोड़ से ज्यादा सीएसआर का फंड है। अब टाटा से बात करोगे तो 2500 करोड़ से ज्यादा उनका फंड है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग सीएसआर फंड्स है। आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओगे तो हो सकता है उनके पास 10 लाख 20 लाख का सीएसआर फंड्स है। आप उनको उनके पास जाइए, उनको अपना प्रपोजल दो कि हम ये काम कर रहे हैं, और अगर उनको आपका प्रपोजल पसंद आएगा तो वो आपको फंडिंग करेंगे। तो जैसे ही हमारे जो प्रपोजल्स हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट काम करते हैं, हम बोलते हैं कि हम इतनी महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, उनका अपना बिजनेस सेटअप कराएंगे, तो जिनको पसंद आता है वो हमारे साथ काम करते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि हमारा ये मॉडल काफी लोगों को पसंद आ रहा है। अभी हमारे पास 20 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स ऑलरेडी हैं। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो काफी दूर हैं और जिन जहाँ हम काम नहीं कर सकते, अगर वो हमारे साथ काम करना चाहें या फिर हमारे मॉडल्स को रेप्लीकेट करना चाहें, तो हम फ्रीली उनको ये सारी सुविधाएं देने को तैयार है, उनको नेटवर्क देने को तैयार है, उनको पैम्पलेट्स देने को तैयार है, उनको ट्रेनिंग देने को तैयार है, बट उतने अच्छे तरीके से उन्हें काम करना चाहिए। तो मैंने जैसे बताया, फंडिंग 3 तरीके, सरकार से, लोगों से और कॉर्पोरेट से, तीनों तरीके से आप पैसे ले सकते हो। चौथा जो इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में हमने बात किया, FCRA, फॉरेन एजेंसीज भी आपको पैसा दे सकती है। आपको बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं जो बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेस की एजेंसीज हैं, वो अलग अलग कॉज के लिए काम करती हैं, जैसे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो गया, आप अलग अलग फाउंडेशन हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो देन यू गेट दी फंडिंग। सो इट इज ऑल प्रोजेक्ट फंडिंग, इट इज नॉट समथिंग कि आपको एनजीओ बनाया और किसी ने भी पैसे दे दिए।
ओके सर, तो प्योर इंडिया ट्रस्ट इन चारों मेथड में से कौन से मेथड से प्योर इंडिया ट्रस्ट फंडिंग गेन करता है? सो हम कॉरपोरेट से ज़्यादातर फंडिंग लेते हैं आज की तारीख में। आज से 4-5 साल पहले हम इंडिविजुअल से ही ले पाते थे, लेकिन अब हम हमारा करीब 90% से ज़्यादा फंड्स कॉरपोरेट से आता है। हमारा करीब 5-6% फंड्स जो है फॉरेन से आता है, और 3-4% फंड्स हमारा इंडिविजुअल डोनेशन से आता है। तो हम लार्जली कॉर्पोरेट के साथ ही काम करते हैं। ओके सर, आई एम श्योर कि ये सारे इंफॉर्मेशन सबको काफी हेल्प करेंगे जो इस बारे में सोच रहा है या फिर जो प्योर इंडिया ट्रस्ट ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑल्सो सर, इन लास्ट आप कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए? मेरे जो वीडियो देखेंगे वो व्यूअर्स अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, तो मैं जैसा मैंने बताया यंगस्टर्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि वो शुरू से ही एक तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट रखें और खुद बिजनेस करें और नौकरी देने वाले बने, ना कि सिर्फ नौकरी लेने के पीछे भागें। सो दैट इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यूथ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का होगा, हमारा देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जल्दी बनेगा। दूसरा, कॉरपोरेट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉरपोरेट के साथ काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो हम इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं साउथ में, स्पेशली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर अभी हम लोगों की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। इफ़ दे आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स हु आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, प्लीज डू कॉल अस। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं जिनके पास नॉलेज है, बहुत सारे लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो एज ए वॉलेंटरली किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, जरूरी नहीं प्योर इंडिया ट्रस्ट के साथ, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और उनके साथ मिलकर जो आपके पास एक्सपर्टीज है, जो वैल्यू है आपके पास, उसको आप शेयर करें।